गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर सेकंड। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज का ई पार्ट, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, बिसाइड्स वेकेशन व्हेन डू ऑल द फैमिली मेंबर्स मीट, मींस छुट्टियों के अलावा परिवार के सभी सदस्य कब मिलते हैं। आंसर इज, they meet at the time of weddings and festivals, means वे शादियों और त्योहारों के समय मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, what do we write to remain in touch with our relatives, means हम अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहने के लिए क्या लिखते हैं। आंसर इज, वी राइट लेटर्स एंड सेंड ईमेल्स, मींस हम पत्र लिखते हैं और ईमेल भेजते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ओनली ये टू क्वेश्चंस ही दिए गए थे, बट हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, मींस एक एकल या मूल परिवार क्या होता है। आंसर इज, अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, मींस एक मूल परिवार एक छोटा परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर अंकल्स चिल्ड्रन, मींस आपके और आपके अंकल या चाचा की बच्चों के बीच क्या संबंध है। आंसर इज, माय अंकल्स चिल्ड्रन आर माय कजन्स, मींस मेरे अंकल या मेरे चाचा के बच्चे मेरे चचेरे भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर्स पेरेंट्स, मींस आपके और आपके पिता के माता पिता के बीच क्या संबंध है। आंसर इज, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मीन्स वे मेरे दादा दादी हैं। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है चैप्टर सेकंड, 5 क्वेश्चन आंसर्स, राइट एंड लर्न। थैंक यू।